ये देखो, ये है मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है और इससे अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है। चाइना का माल यहाँ बेचते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं। और एक दिन ऐसा है, प्रियंका माइक पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहाँ अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद 6 साल बाद और इसके फोन के पीछे देखो लिखा हो मेड इन अलीगढ़। एग्जाम के बाद आप जानते हो ये नया धंधा चला है, आपसे एग्जाम कराते हैं, आप पढ़ाई करते हो, आप अपना पैसा निकाल के प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ट्यूशन सेंटर में डालते हो, उसके बाद सुबह उठते हो, एग्जाम करने जाते हो, वहां पे एग्जाम में आपको किसी और का मोबाइल फोन दिखता है, उस पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाई देता है। ये इसका लक्ष्य क्या है कि ये जो रोजगार मांग रहे हैं, सरकारी जॉब मांग रहे हैं, इनका टाइम जाया करो, इनका बेवकूफ बनाओ। भाई और बहनों, ये काम सरकार ही करा रही है, ये काम पेपर लीक का काम ये ही लोग करा रहे हैं जो आपको रोजगार नहीं देना चाहते। ये सच्चाई है और रोजगार पैदा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अदानी जी को पूरा का पूरा दे दिया और ये जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, ब्रास वाले लोग हैं, ये जो लोग हैं इनको बर्बाद कर दिया जीएसटी से, नोटबंदी से इनको खत्म कर दिया। आजकल क्या हो रहा है, चाइना का माल यहाँ आ रहा है, ये मोबाइल फोन जो है ये चाइना का है, ये चाइना माल यहाँ आ रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति इसको यहाँ बेच रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। ये मोबाइल फोन में मुझे ये देखो, ये है मेड इन चाइना। मैं चाहता हूं इससे चाइना के युवाओं को फायदा होता है और इससे अदानी जैसे अरबपतियों को फायदा होता है। चाइना का माल यहाँ बेचते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि हिंदुस्तान के युवा इस फोन को हिंदुस्तान में बनाएं। और एक दिन ऐसा है, प्रियंका माइक पकड़ो, एक दिन ऐसा है कि मैं यहाँ अलीगढ़ आऊं 10 साल बाद 6 साल बाद और इसके फोन के पीछे देखो लिखा हो मेड इन अलीगढ़। फिर यहाँ आऊं और यहाँ पे 10 युवाओं को कहूं यहाँ बेटा इधर आओ, वो ऊपर आए, मैं कहूं क्या करते हो भैया, हम मोबाइल टेलीफोन अलीगढ़ में बनाते हैं, मेड इन अलीगढ़ लिखते हैं, वहां पे चाइना का युवा हमारा फोन का इस्तेमाल करता है। ये होना चाहिए हिंदुस्तान में और ये हम सब मिलकर 90% लोग ये सब मिलकर काम करने जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।